people remember the sound, you know, and like today the generation, अगर गाना हीरी है वो सुनते भी है ना, उनको ये नहीं मालूम किसने गाया है, you know, for them the sound is the most important factor, you know. Radios also, they I mean actually like we have Rabba Gare playing on the radios and they specifically told me that you know you have to cut down the song. So I'm like, already गाना, you know, my perception on remixes is, you know, kind of not good because I feel that remixes shouldn't be done. क्योंकि एक गाना अगर बन चुका है ना उसको नहीं छेड़ना चाहिए. हेलो एवरीवन, दिस इज आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है द वेरी टैलेंटेड शैल ओसवाल. सो नाइस टू हैव यू. थैंक यू आइना फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. लवली टू बी हियर. पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, कंग्रेचुलेशन रबा करे, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है. थैंक यू. और सवाल मेरा आपसे पहले ये है कि एक्सपीरियंस क्या कैसा था आपका? अच्छा, पहले मेरा एक सवाल आपके साथ, आपको गाना कैसा लगा? बहुत प्यारा. ओके, ग्रेट. द एक्सपीरियंस अबाउट रबा करे, आई थिंक रबा करे एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक मेलेडी है. सो अक्सर मेरा वही जॉनर है, मतलब संगीत को लेके. आई बिन सिंगिंग मेलेडीज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट काफ़ी वक्त के बाद मैंने एंट्री मारी है, यू नो. आई थिंक बट आई एम हैप्पी दैट द इनिशियल रिस्पॉन्स इज़ गुड, बट आई होप कि ये मेलेडी और अच्छी पिकअप हो, क्योंकि मेलेडीज टेक लिटिल टाइम, यू नो, टू ग्रो ऑन पीपल. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पर जैसे आपने कहा काफ़ी टाइम बाद आप आए हो, आप व्हाई डिड यू टेक दैट लॉन्ग टू कम बैक? आई वॉज एक्चुअली, यू नो, थिंकिंग अ लॉट, यू नो, विद माई म्यूजिक, कि मुझे पता नहीं करना चाहिए कुछ रिलीज़ कि नहीं करना चाहिए, यू नो. आई वॉज इन दैट लिटिल डिलेमा, इन दैट जोन. बट देन आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड कि, यू नो, यूट्यूब में डालने से या, यू नो, कुछ करने से, यू नो, तो गाना पहुँचता नहीं है, राइट? आई मीन यू हैव टू हैव अ गुड मार्केटिंग बैकअप फॉर दैट. सो एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग, यू नो, कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, बिकॉज आई हैव बीन ऑनेस्टली लाइक अपलोडिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स ऑन माई चैनल एंड, यू नो, जस्ट बीन डूइंग मार्केटिंग माई सेल्फ, यू नो. सो आई वॉज इन दैट, यू नो, लॉट ऑफ थाट्स फॉर इन माई माइंड कि कैसे करें, आई हैव टू प्रमोट दिस सॉन्ग, यू नो. एंड देन आई थिंक आई फाउंड दिस वंडरफुल, you know, marketing team who kind of inspired me to come back and they told me that, you know, you sing and, you know, we will take care of the marketing part. So I was convinced. So then I thought, chalo, theek hai, let's do something. I have this song ready. Right. So make this song and, you know, release it. And abhi tak, I think, so now I'm little settled ki mujhe har cheez khud nahi karni padegi. You know, for an artist should be that ki aapne gana gana hai ya, you know, act karna hai movie mein. Marketing has to be done by a separate team altogether. Right. So that has made me a little on the comfort Relax. Zone. Yeah, yeah. How did Urvashi come in the picture? How did you guys cast? We had to take somebody who's known, you know, and we did think about Urvashi as the first choice. There were a couple of other actresses actually before this, but maybe they were busy, they had their own, you know, space that time. So, but then we thought Urvashi will be the right choice for this video, me and my wife, because the song, you know, wanted somebody, you know, who's glamorous, you know, who is a good dancer, and also at the same time who can act. Right. So she had these three things, you know, together. So that's how I think we contacted her, and she liked the song, and she was, you know, roped More than in. Happy. Yeah, yeah. But मुझे आपसे ये एक सवाल पूछना है, क्या आपको लगता है जो भी गाने आप बनाते हो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होके या फिर प्रेरित होके आप you know, लोगों तक पहुँचाते हो? आई एम अ वेरी, यू नो, एक्चुअली इमोशनल एंड अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरी जो अप्रोच रहती है गानों में वो वही है, सेम है. इवन जो लिरिक्स भी हैं वो बड़े ठहराव के हैं, यू नो, ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि टफ नहीं है, यू नो, इट्स लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई, यू नो, मेक माई सॉन्ग्स, यू नो, कीपिंग एवरीथिंग वेरी सिंपल. एंड आई थिंक दैट इज द रिफ्लेक्शन इन माई म्यूजिक, लाइक द वे आई एम, विच मेक्स मी सेटल्ड, विच मेक्स मी फील रिलैक्स्ड व्हेन आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. So I've been lucky that my team knows exactly, you know, how they have to plan something for me. That's how we, you know, curate the whole song and we plan the whole song, keeping like, you know, my vision and my, I think, persona in mind. But जैसे आपने कहा कि, you know, मुझे इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि marketing में चाहता था काफ़ी अच्छे से हो, पर जब लोगों ने आपके गाने को इतना पसंद किया है
पहले हीरिये को ऑर्गेनिकली जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अब स्ट्रेस हो जाता है कहीं ना कहीं कि काश वैसा ही होता पहले भी, पहले जैसा कि यू नो गाना अच्छा हो, लोगों को पसंद आए और वो लोगों तक पहुंचे विदाउट मार्केटिंग, वो एज अ आर्टिस्ट डू यू फील कि होना चाहिए? डेफिनेटली इन दैट एरा, उस टाइम तो देखो मार्केटिंग इतनी अग्रेसिव नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि उस टाइम टीवी वाज द मेन मीडियम, यू नो. आजकल क्या है कि बहुत सारे मीडियम्स हैं, यू नो, देयर इज यू नो सोशल अकाउंट्स एंड देन टीवी थोड़ा काफ़ी कम हो गया है, यू नो, फॉर म्यूजिक. But again, I think it's, I think with time, you know, you have to change your perception also, you know. So you have to be more aggressive because content बहुत है. पहले इतना content भी नहीं था, गिने चुने artist थे, गाने भी गिने चुने आया करते थे. So I think, yeah, in, if you talk about that era and this era, definitely I have learnt. मैं करता था कि गाना है मेरे पास, उसका video shoot किया और उसको बस upload कर दिया, you know, and do a little promotion through, you know, YouTube, whatever the promotion tools are there, and just launch the song. But then I realized ki nahin, you know, the sound has to reach, because last mein kya na sound hi chalti hai. Like nobody remembers about, you know, the Heeriye's video. People remember the sound, you know, and like today the generation, agar gana Heeriye wo sunte bhi hai na, unko ye nahin malum kisne gaya hai. You know, for them the sound is the most important factor, you know. तो साउंड पहुंचना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आई थिंक एग्रेसिव मार्केटिंग, यू नो, क्रॉस प्रमोशंस हैपनिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. पर आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में अब आप देखते हो इतने साल आप रहे हो, कितना चेंज आया है और इज इट फॉर द गुड? आई थिंक एडवांटेजेस भी हैं, थोड़े बहुत यू नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. लाइक बहुत एक्चुअली क्या हो गया कि अभी ना जो गाने भी हैं वो सब कुछ छोटा हो गया है. लाइक गाने की ड्यूरेशन भी आपको एक लिमिटेड टाइम की करनी पड़ती है कि 2.5-3 मिनट गाना हो. एंड रेडियो ऑल्सो दे, आई मीन एक्चुअली लाइक वी हैव रबा करे प्लेइंग ऑन द रेडियोज एंड दे स्पेसिफिकली टोल्ड मी दैट यू नो यू हैव टू कट डाउन द सॉन्ग. सो आई एम लाइक ऑलरेडी गाना यू नो 3.5 मिनट का है. तो कहते नहीं, हम लोग 180 सेकेंड चलाएंगे 3 मिनट का. सो आई एम लाइक वाओ. सो दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो, बिकॉज अभी ना टाइम नहीं है. Like, you know, that the whole concept of marketing a product has kind of become aggressive, but the content, like the song, it's become shorter. Compressed, yeah, shorter. Because attention span logoge. Exactly, because reels ban rahi hai, to fatafat log dekhte hain, achhe laga, dusra reel dekh liya. So I think that has become a little, you know, crazy, I would say. But theek hai, I think that is, again, you know, it's part of the whole journey. You know, things change, you know. When you keep moving on, time के साथ change होती हैं चीज़ें. So I won't blame anything. I think we have to go with the flow. गाने में भी I think chorus is like the catchy part of the लोग काफ़ी change कर लेते हैं. जैसे आपने कहा reels में एक particular जो है 2-3 line hit चली जाती है और फिर उसी line पे you know गाने hit हो जाते हैं. Correct, बिल्कुल होती है. लोग कभी क्या होता है कि कुछ मुखड़ा अच्छा हो या अंतरे का part अच्छा हो तो उसको लेके लोग reels बनाते हैं. बट इस गाने में ना मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई मतलब इफ़ यू हेयर द मुखड़ा ऑल्सो इट्स नाइस, रबा करे. इसका जो क्रॉस है वो बहुत अच्छा है, यू नो, मैं हवाले तेरे, तो वो बहुत अच्छी लाइनें हैं. सो मैं सोचता हूँ कि आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग रील्स आउट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इन द सॉन्ग. सो आई थिंक या मतलब मैंने कभी ये नहीं किया कि मुखड़ा अच्छा होना चाहिए, यू नो, या क्रॉस अच्छा होना चाहिए. आई बिलीव एज द ओवरऑल, you know, the song should be good. Songs, yeah. That is important. Yeah. ऐसी एक चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको पसंद है but because आज audience के demand में वो चीज़ नहीं है तो आपने वो बंद कर दी. ऐसे खुद में एक होता है कि artist change लाता है just because ज़माने के साथ बदलना पड़ता है. वो कौन सी चीज़ होगी? No, I think whatever I like, I do it. You know, that is my mantra. I mean mantra. I always follow that. मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि market में क्या चल रहा है, you know, उसको मैं follow करूँ. नहीं, अब देखो ये गाना भी जो आया है रब्बा करे, ये ठीक है, एक मेलोडी है, मेलोडी है, रोमांटिक है, लेकिन मेरा एक यू नो इट्स समथिंग विच आई लव, यू नो, जो मैंने बनाया इस चीज़ को. मैंने मार्केट को नहीं देखा कि मार्केट में यू नो क्या चल रहा है. अगर हिप हॉप चल रहा है तो मैं हिप हॉप करूँगा, यू नो, R&B चल रहा है R&B करूँगा. नहीं, आई थिंक आई लाइक समथिंग एंड आई डू इट. आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इज़ योर क्रिएटिविटी, राइट? एब्सोल्युटली. जो आपको पसंद है आप उसको बनाइए एंड यू नो लॉन्च करिए. Absolutely. Yeah. But how did it all start for you? Because aap business bhi kar rahe ho, which is, you know, huge.
एंड एट द सेम टाइम अपने पैशन को भी फॉलो करना, दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें करते हैं एट वन टाइम. अभी शाहरुख खान जी हैं, उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं. तो वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, यू नो, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, यू नो. सो ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ राइट एट वन टाइम. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू मैनेज योर वर्क, यू नो. आई थिंक इट्स ऑल ऑन द माइंड. तो अगर आपका एक माइंड यू नो उसकी डायरेक्शन ठीक है, देन आई थिंक आई एम श्योर दैट यू कैन मैनेज इट. ऐसा कभी लगा नहीं मुझे कि यू नो दैट ओ यू नो मैं यू नो मेरा बिजनेस भी है, मैं ये ऐसे करूँगा. आई जस्ट गो विद द फ्लो. व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि म्यूजिक करना है आपके लिए जिंदगी में? यू नो, मैं बचपन से ही नाजिया जोया बच्चन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सिंगर्स हैं. एंड उनका एक एल्बम आया था डिस्को दीवाने, जिसमें यू नो आई वेंट क्रेजी बिकॉज द होल द मेलेडी द होल सेटअप फॉर द एल्बम वॉज वेरी पॉप. तो मेरा वहीं था यार, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ करने के लिए, नो लाइक समथिंग विच आई मीन दिस इज गोना बी माई जॉनर विच हैज लाइक यू नो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो सॉन्ग्स, लव सॉन्ग, रोमांटिक, हार्ट ब्रोकन, इवन अ डांस सॉन्ग. तो वहाँ से मुझे बहुत इंस्परेशन मिली. एंड देन आई मेट बिडू, जिन्होंने नाज़िया ज़ोएब को लॉन्च किया था. तो ही काइंड ऑफ ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ चेंज्ड माई होल यू नो, कहते हैं ना कि संगीत के ऊपर कुछ चेंज करता है इंसान की यार, कि यू हैव दिस वॉइस, सो लेट मी क्रिएट समथिंग डिफरेंट फॉर यू. सो देन आई थिंक आई जस्ट फेल इन लव इंस्टेंटली एंड आई वांटेड टू स्टार्ट सिंगिंग. दैट वाज रियल इंस्पिरेशन एक्चुअली. कमिंग बैक टू रब्बा करे, उर्वशी के साथ लाइक यू नो हाउ डिड यू सेट दैट केमिस्ट्री एंड हाउ इज उर्वशी एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, मतलब उनका क्या प्रोसेस है जो आपने सेट पे ऑब्जर्व किया होगा? आई थिंक लाइक एनीबॉडी एल्स आई हैव वर्कड विद, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ मुझे नहीं लगा. आई थिंक शी इज़ मतलब शी इज़ एन एक्ट्रेस, जैसे इमोट करना होता है वैसे उन्होंने इमोट किया. आई थिंक दैट्स एंड शी इज़ स्पॉन्टेनियस, मतलब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. शी इज़ डन लॉट ऑफ वर्क राइट, सो शी इज़ ओके. आई मीन शी इज़ गुड टू वर्क विद एंड आई एम हैप्पी दैट वी रोप्ड इन द वीडियो. दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शी कुड प्ले द सर्टन रोल वॉट वी हैड डिज़ाइन फॉर हर. दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो, बिकॉज मी एंड माई वाइफ आर द प्रोड्यूसर्स फॉर दिस वीडियो. And my wife has curated the entire video. I mean, she's written the screenplay, story, everything. So I think overall, acha ban ke aana chahiye. So that was the most important thing. Baki audience ke upar hai. I mean, if they're loving it, let's see. I know aapko melody, of course, aapka, you know, it's your first love, aur aapko melody hi pasand hai. Par aaj agar main bolu to aap agar ek gaane ko jo aapko pasand hai. आप रीमिक्स करना चाहोगे तो कौन सा गाना? लाइक माय परसेप्शन ऑन रीमिक्सेस इज यू नो काइंड ऑफ नॉट गुड, बिकॉज आई फील दैट रीमिक्सेस शुडंट बी डन. क्योंकि एक गाना अगर बन चुका है ना, उसको नहीं छेड़ना चाहिए. लोग करते हैं रिप्राइज, आई मीन दे डू रिक्रिएट, अच्छे भी होते हैं कुछ गाने, बट मोस्टली मैंने काफ़ी गाने सुने जो ख़राब भी हो गए, यू नो. तो वो क्या है ना कि अपने you know for your own motives, you know, like music companies, they want to, you know, for the revenue stream, they want to keep recreating songs and they want to keep doing it, but that's fine. I think everybody has their own thought process, everybody has their own knowledge about, you know, doing certain things. So I'm nobody to talk about it. Actually I will not remix a song. Got personally. But is there another सेंसेशन जो आपको अभी बहुत पसंद आ रहा है? जैसे हम देख रहे हैं कि जो पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री का कल्चर है वो पॉप कल्चर में चेंज हो के आज इतने मैसिव कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं. जो यूथ है, जनरेशन जो है अभी, इज़ गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक जो आप सुनते हो? कौन से आर्टिस्ट को आप सुनते हैं? आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू लॉट ऑफ द वीकेंड एज ऑन टुडे. आई लव हिज जोन, यू नो द वे ही हैज you know got retro in today's time, you know, like I mean with today's feel, the music, the arrangement. So that's something like which is remarkable about that guy, you know. And Indian singers, I love Arijit. I think he's a fantabulous singer. He's got soul in his voice, he's got that passion in his voice, and he's a very versatile singer. So I think he has a long way to go. I think he's worked hard, the way he has come up and the way, you know, he's reached to so many hearts, you know, all over the world. That's fabulous. And lastly, before I leave, what are your plans in the future? I hope you're not going to take another gap now. आप वापस आने वाले हो? नहीं, मैं अभी कोशिश करूँगा कि I will keep on, you know, giving good music and, you know, nice melodies, and I have couple of good songs in my kitty. So I want to plan it well,
देर इज़ नो हरी, बिकॉज ना हर गाने की अलग ही मार्केटिंग होती है. सो अभी जो एक दूसरा गाना है मेरा, तो मेरा मन है कि उसकी मैं जो मार्केटिंग शुरू करूँगा वो मैं कॉलेज शुरू करूँगा, क्योंकि वो यूथ का गाना है, यू नो, कम्प्लीट यूथफुल, इट्स लाइक यू नो गिटार एंड द वॉइस. सो दैट इज समथिंग विच आई वांट टू प्लान द प्रमोशनल टूर स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेजेस मेट्रोज. सो बट या आई मीन आई ट्राई टू सस्टेन, बट आई I'm not going to take so much of time. I think it will be much earlier. Yeah. Awesome. Looking forward. Thank you so much for chatting with us. Thank you. Same here. All the best for what Rabba Kare does. Yes, and yes. आगे भी हम देखेंगे आपके गाने और सुनेंगे. Thank you. Thank you so much. Hello. Please like and share to Instant Bollywood.